हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस स्टडी आईक्यू। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है फिक्सेटिव एंड फिक्सेशन। ये हिस्टोलॉजी का एक टॉपिक है दोस्तों। जो फर्स्ट अपना जो लेक्चर था इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोलॉजी का था, इसमें अपन समझेंगे फिक्सेटिव एंड फिक्सेशन क्या होता है। ये सेकेंड लेक्चर है। तो फिक्सेशन क्या होता है दोस्तों, फिक्सेशन से फिक्सेटिव एंड फिक्सेशन को समझने से पहले आपको समझना होगा बायोप्सी क्या होती है। तो बायोप्सी क्या होती है दोस्तों, बायोप्सी क्या है दोस्तों, जो लिविंग्स बॉडी में से टिश्यू को, जो टिश्यू रहेगा दोस्तों लिविंग्स बॉडी में से टिश्यू को बाहर निकालने की जो प्रोसेस रहती है वो क्या कहलाती है दोस्तों, बायोप्सी कहलाती है। तो जब ये बायोप्सी को, ये टिश्यू को बॉडी में से रिमूव किया जाता है, क्या दोस्तों रिमूव किया जाता है, तो वो एनवायरनमेंट में क्या डिकम्पोज होने लगता है। जैसे ही बॉडी में से टिश्यू को यानी बायोप्सी को अपन ने बाहर निकाला तो एनवायरनमेंट में आके वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज, यानी जो नेचुरल उसकी कंडीशन रहती है दोस्तों, क्या दोस्तों नेचुरल कंडीशन से रहती है, उससे वो डिकम्पोज होने लगता है। तो उस डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए, उस टिश्यू की जो डिकम्पोजिशन रहती है, टिश्यू की डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए एक केमिकल एजेंट जो यूज किया जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, फिक्सेटिव कहते हैं। और ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, फिक्सेशन कहलाती है। तो यहाँ पे आपको बायोप्सी क्लियर हुआ दोस्तों, जो भी लिविंग थिंग्स रहेंगे उनमें से जो टिश्यू को एक्सट्रेट किया जाता है यानी बाहर निकाला जाता है, उसको क्या कहते हैं, बायोप्सी कहते हैं। तो सबसे पहले अपन को समझना होगा फिक्सेटिव। तो फिक्सेटिव की एक डेफिनेशन होती है दोस्तों, जो फर्स्ट लेक्चर में अपन ने समझा था, टिश्यू को क्या दोस्तों, जो टिश्यू रहेगा उस टिश्यू को पुट्रिफिकेशन एंड ऑटोलाइसिस से बचाने के लिए जिस केमिकल एजेंट का अपन यूज किया जाता है उस केमिकल एजेंट को क्या कहते हैं, फिक्सेटिव कहते हैं। तथा इस पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है दोस्तों, फिक्सेशन कहलाती है। एक बार फिर से समझते हैं, फिक्सेटिव क्या है, फिक्सेटिव जो टिश्यू के पुट्रिफिकेशन एंड ऑटोलाइसिस से बचाने के लिए जो केमिकल एजेंट अपन यूज करते हैं वो केमिकल एजेंट क्या कहलाता है दोस्तों, फिक्सेटिव कहते हैं उस केमिकल एजेंट को। और ये सारी जो प्रोसेस रहती है जिसमें अपन टिश्यू को फिक्स करते हैं वो सारी प्रोसेस क्या कहलाती है दोस्तों, फिक्सेशन कहलाती है। तो यहाँ पे आपका ये क्लियर हुआ, फिक्सेटिव क्या है, एक ऐसा केमिकल एजेंट है जो टिश्यू को पुट्रिफिकेशन एंड ऑटोलाइसिस से बचाता है, तो ये फिक्सेटिव कहलाता है दोस्तों। यहाँ पे फिक्सेटिव तो आपका क्लियर हुआ। अब फिक्सेटिव कितने टाइप के होते हैं ये अपन समझते हैं, लेकिन फिक्सेटिव के टाइप्स समझने से पहले आपको समझना होगा फिक्सेटिव के अफेक्टिव, यानी फिक्सेटिव को कौन अफेक्ट कर सकता है ये समझते हैं। पहला समझा बायोप्सी क्या है, जो लिविंग्स में से टिश्यू को रिमूव करके जो बाहर निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, बायोप्सी कहते हैं। उस बायोप्सी या टिश्यू को जो पुट्रिफिकेशन एंड ऑटोलाइसेशन से बचाने के लिए दोस्तों जो केमिकल एजेंट यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, फिक्सेटिव कहते हैं। और सारी प्रोसेस ये फिक्सेशन कहलाती है। तो यहाँ पे दो शब्द आपने देखे, यहाँ पे पुट्रिफिकेशन, क्या दोस्तों पुट्रिफिकेशन एंड ऑटोलाइसिस, ये दोनों क्या चीजें। तो ये फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन ही पार्ट था उसमें भी समझाता और इसमें भी समझते हैं। पुट्रिफिकेशन क्या होता है, जो भी अपन टिश्यू, जो लिविंग्स में से अपन टिश्यू बाहर निकालते हैं यानी जो एनवायरमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे उस टिश्यू को जो डिकम्पोज करेंगे कौन, एनवायरमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे
माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस टिश्यू को या बायोप्सी को डिकम्पोज करेंगे, उससे बचाने के लिए जो प्रोसेस उसको क्या कहते हैं, पुट्रिफिकेशन कहते हैं, यानी जो एनवायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस टिश्यू को इन्फेक्ट यानी खराब करेंगे वो प्रोसेस क्या कहलाती है, पुट्रिफिकेशन कहलाती है। अब ये ऑटोलाइसिस क्या कहलाता है दोस्तों, तो ऑटोलाइसिस में आपने जो सेल्स पढ़ी होगी, सेल्स में पढ़ा होगा आपने लाइसोसोम, लाइसोसोम पढ़ा होगा, तो लाइसोसोम में 30 लाइसोसोमल लाइसोसोमल एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो यानी जो टिश्यू अपन एक्सक्रीट कर रहे हैं वो अपनी बॉडी का रहता है, यानी स्वयं का रहता है, तो अपनी बॉडी में टिश्यू में भी जो सेल्स प्रेजेंट हैं, सेल्स के अंदर जो लाइसोसोम में 30 टाइप्स के लाइसोसोमल एंजाइम प्रेजेंट हैं, तो वो जब बॉडी से रिमूव किया जाता है टिश्यू को, तो उस समय ये लाइसोसोमल एंजाइम उस टिश्यू को डिकम्पोज करने लगते हैं, उस टिश्यू को क्या दोस्तों, डिकम्पोज करने लगते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ऑटोलाइसिस, यानी अपनी स्वयं की सेल्स के द्वारा उसका क्या लाइसिस किया जाता है, यानी उसको डिकम्पोज किया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, ऑटोलाइसिस है। और पुट्रिफिकेशन क्या है, यानी जो एनवायरमेंट के माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, चाहे वो बैक्टीरिया हो, आपका वायरस हो या फंगस हो, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उस टिश्यू जो अपन ने रिमूव किया है बायोप्सी को डिकम्पोज करेंगे, वो पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, पुट्रिफिकेशन कहलाती है, यानी बाहर के एनवायरमेंट में माइक्रो इन्फेक्ट करेंगे, यानी पुट्रिफिकेशन एंड ऑटोलाइसिस से बचाने के लिए, जो टिश्यू को बचाने के लिए जिस केमिकल एजेंट का अपन यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों, फिक्सेटिव कहते हैं, और ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, फिक्सेशन कहलाती है। तो फिक्सेटिव को भी यहां पे अपन समझेंगे, आप फिक्सेटिव अफेक्टिंग एजेंट, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फिक्सेटिव, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो फिक्सेशन के टाइम फिक्सेटिव को अफेक्ट करते हैं यानी रोकते हैं, तो ऐसे अपन अफेक्टिंग जो फैक्टर रहेंगे उनको देखेंगे। तो फिक्सेशन में कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, सबसे पहला करता है पीएच, क्या करता है दोस्तों, जो फिक्सेटिव को अफेक्ट करेगा पीएच बहुत मेन रहता है, अगर कोई भी फिक्सेटिव यूज कर रहे हैं उसका पीएच ज़्यादा एसिटिक नहीं होना चाहिए, नॉर्मली जो फिक्सेटिव में पीएच कितना होता है, तो 6-8 यानी 6-8 तक, यानी न्यूट्रल कह सकते हैं अपन, न्यूट्रल पीएच अपन यूज करते हैं, अगर लेस देन 6-6 हुआ पीएच यानी अधिक एसिडिक हुआ, तो वो क्या जो टिश्यू रहेगा, टिश्यू की जो सेल्स रहेंगी, सेल्स की मॉर्फोलॉजी चेंज करेंगी, कैसे करेंगी, सेल्स को लाइस कर देंगी, जो सेल्स रहेगा उसको लाइस कर देगी, अगर ज़्यादा एसिडिक अपन ने फिक्सेटिव यूज किया तो वो क्या उसको लाइस कर देगा भाई। तो फिक्सेटिव के लिए सबसे अफेक्टिंग एजेंट कौन सा है दोस्तों, जो पीएच में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अफेक्ट करता है, और सेकेंड है अपना दोस्तों, यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं एक बार, तो पहला हो गया आपका पीएच, कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग फिक्सेटिव ऑफ फिक्सेटिव, तो सबसे पहला हो गया दोस्तों अपना यहां पे पीएच, यानी न्यूट्रल पीएच ज्यादातर यूज करते हैं फिक्सेटिव में, और सेकेंड है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर भी मेन रोल प्ले करता है दोस्तों फिक्सेटिव में, अगर
ना तो उसका हाई टेम्परेचर होना चाहिए और ना ही लो होना चाहिए। तो मोस्टली जो टेम्परेचर यूज किया जाता है फिक्सिंग में, तो वो होता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी सॉरी 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे जो टेम्परेचर यूज किया जाता है। तो ये भी टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है, अगर ज़्यादा लो टेम्परेचर होगा तो देर में फिक्स करेगा वो फिक्सेटिव उस टिश्यू को या जो भी ऑर्गन रहेगा उसको। और तीसरा है अपना अफेक्टिंग, कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है दोस्तों, तो वो करता है यहाँ पे पेनिट्रेशन। क्या करता है दोस्तों? पेनिट्रेशन, थर्ड अपना है पेनिट्रेशन, यानी फिक्सेटिव, ऐसा फिक्सेटिव दोस्तों जो वो टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट यानी पहुंच सके, ऐसा फिक्सेटिव यूज करना है। अगर उसका पेनिट्रेशन पावर कम होगा, वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा टिश्यू के अंदर, तो वो सही से उसको फिक्स नहीं कर सकता है। तो पेनिट्रेशन बहुत मेन रोल प्ले करता है फिक्सिंग में दोस्तों। तो पेनिट्रेशन पावर कह सकते हैं अपन इसको, तो मेन रोल अफेक्ट कौन करेगा? पेनिट्रेशन, जो टिश्यू की पेनिट्रेशन पावर अफेक्ट करेगी फिक्सिंग में। और पीएच के बाद आपका आता है साइज ऑफ थिकनेस, जो आपका टिश्यू रहेगा दोस्तों उसकी साइज भी मेन रोल प्ले करता है, साइज ऑफ थिकनेस। थिकनेस ऑफ जो टिश्यू, अगर टिश्यू की थिकनेस ज्यादा है तो वो देर तक अधिक टाइम लेगा फिक्स होने में, और अगर कम है तो वो जल्दी फिक्स हो जाएगा। तो ये भी साइज ऑफ थिकनेस ऑफ टिश्यू, यानी जो टिश्यू की जो साइज रहेगी और थिकनेस रहेगी, अगर साइज में बड़ा है तो भी वो अधिक समय लेगा फिक्स होने में, या साइज में छोटा है तो बहुत जल्दी फिक्स हो जाएगा और बहुत हार्ड हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना होगा ऐसा फिक्सेटिव यूज करना है जो साइज और थिकनेस को कवर कर से और अच्छे से उनको सही टाइम में फिक्स करे, ना तो ज़्यादा जल्दी फिक्स करे और ना कम समय में करे। और फोर्थ अपना यहाँ पे अफेक्टिंग एजेंट कौन सा रहेगा? कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ फिक्सेटिव। तो यहां पे फिक्सेटिव जो यूज कर रहे हैं उसका हाई कंसंट्रेशन भी नहीं होना चाहिए और लो कंसंट्रेशन भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फिक्सिंग में अफेक्ट करेगा। और नेक्स्ट अपना है ड्यूरेशन, यहां पे देखते हैं ड्यूरेशन। तो यहां पे ड्यूरेशन से मतलब मीन्स यहां पे टाइम से, टाइम, ऐसा फिक्सेटिव जो ना कम समय में मतलब जो आपको समय ना तो देर में करे, यानी बहुत ही ऐसा फिक्सेटिव यूज करने चाहिए जो आपको जो समय उस निश्चित समय में उस टिश्यू को फिक्स कर सकता है। अगर उसका ड्यूरेशन टाइम बढ़ गया, यानी बहुत जो 5-6 घंटे में फिक्स करना था वो 8 से 12 से 15 घंटे ले रहा है, तो ऐसा फिक्सेटिव अपन यूज नहीं करते हैं। जो अपने लिए आसान मतलब जल्दी फिक्स करे, आसानी से फिक्स करे, कम समय में फिक्स करे, वैसे फिक्सेटिव में अपन यूज करते हैं। तो ड्यूरेशन भी यहाँ पे अफेक्ट करती है, यानी अच्छा फिक्सेटिव यूज करना चाहिए जो ज्यादा समय खर्च ना हो। तो यहाँ पे आपने समझा दोस्तों फिक्सेटिव क्या होता है। तो फिक्सेटिव पुट्रिफिकेशन, जो टिश्यू को पुट्रिफिकेशन एंड ऑटोलाइसिस से बचाने के लिए जो केमिकल एजेंट का यूज करते हैं, उस केमिकल एजेंट को क्या कहते हैं? फिक्सेटिव कहते हैं। और वो पूरी प्रोसेस जिसमें अपन टिश्यू को फिक्स करते हैं
वो पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है दोस्तों, फिक्सिंग कहलाती है। तो ये तो हो गए फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग एजेंट ऑफ फिक्सेटिव। अब अपन समझेंगे टाइप ऑफ फिक्सेटिव क्या दोस्तों, टाइप ऑफ फिक्सेटिव कौन कौन से टाइप के यहां पे फिक्सेटिव यूज किए जाते हैं दोस्तों हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव तो मोस्टली टू टाइप्स के दोस्तों, टू टाइप्स के फिक्सेटिव यूज किए जाते हैं हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। फर्स्ट होता है प्राइमरी फिक्सेटिव, प्राइमरी फिक्सेटिव, और सेकेंड होता है सेकेंडरी फिक्सेटिव, सेकेंडरी फिक्सेटिव। अब ये प्राइमरी फिक्सेटिव क्या होते हैं और सेकेंडरी फिक्सेटिव क्या होते हैं, तो जो प्राइमरी फिक्सेटिव ऐसे फिक्सेटिव जो सिंगल यूज नहीं किए जा सकते हैं, जिनको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, वैसे फिक्सेटिव प्राइमरी फिक्सेटिव कहलाते हैं। जैसे कि यहां पे देखते हैं जो आपका पिक्रिक एसिड रहेगा, फर्स्ट है क्या पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, और आपका यहां पे रहेगा फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड और ग्लिसरेल्डिहाइड, थर्ड क्या अपना फर्स्ट क्या पिक्रिक एसिड, किसमें टाइप्स ऑफ प्राइमरी फिक्सेटिव समझते हैं, इसको साफ कर देते हैं। तो टू टाइप्स में यहां पे डिवाइड किया गया है किसको, फिक्सेटिव को। फर्स्ट है अपना प्राइमरी फिक्सेटिव और सेकंड है सेकेंडरी फिक्सेटिव, प्राइमरी फिक्सेटिव। तो प्राइमरी फिक्सेटिव क्या होती है दोस्तों, ऐसे फिक्सेटिव जिनका सिंगल यूज नहीं किया यानी डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, वैसे फिक्सेटिव प्राइमरी फिक्सेटिव कहलाते हैं। इनको सिंपल फिक्सेटिव भी कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों सिंपल फिक्सेटिव भी इनको कहा जाता है, और इनका सिंगल यूज नहीं कर सकते। कौन कौन से हैं जो, फर्स्ट है अपना पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, सेकंड है अपना एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, थर्ड है फॉर्मल्डिहाइड, फोर्थ है अपना एथिल एल्कोहल, ये सारे क्या है दोस्तों प्राइमरी फिक्सेटिव है, इनका डायरेक्ट अपन सिंगल यूज नहीं कर सकते, डायरेक्टली इनको फिक्सेटिव के रूप में इनका यूज नहीं कर सकते। और सेकेंडरी फिक्सेटिव क्या कहलाते हैं दोस्तों, आप देखते हैं सेकेंड अपना क्या है, सेकेंडरी फिक्सेटिव, सेकेंडरी फिक्सेटिव में तो सेकेंडरी फिक्सेटिव क्या होते हैं दोस्तों, सेकेंड अपना क्या है सेकेंडरी फिक्सेटिव, या इन्हें कंपाउंड फिक्सेटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जो प्राइमरी फिक्सेटिव को सिंपल फिक्सेटिव कहते हैं, जिनका डायरेक्टली अपन फिक्सिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, वैसे फिक्सेटिव प्राइमरी फिक्सेटिव कहलाते हैं। पिक्रिक एसिड, एसिटिक एसिड,
ग्लिसरिक एसिड और आपका एथिल अल्कोहल और जो फॉर्मल्डिहाइड, इनका अपन डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो सेकेंडरी फिक्सेटिव किसे कहा जाता है दोस्तों, ऐसे फिक्सेटिव जो प्राइमरी फिक्सेटिव रहते हैं उनका दो या दो से अधिक मिलाकर, उनको मिलाकर फिक्सेटिव को मिलाकर, यानी प्राइमरी फिक्सेटिव को दो, जो प्राइमरी फिक्सेटिव रहेंगे उनका दो या दो से अधिक रेशियो में मिलाकर आप जो यूज कर सकते हैं, जिनको क्या बोलते हैं सेकेंडरी फिक्सेटिव कहते हैं। क्या है दोस्तों, इनको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। सिंपल क्या है अपना, ये कंपाउंड फिक्सेटिव है जो प्राइमरी फिक्सेटिव से मिलकर बने होते हैं। ये मतलब कि इनको अपन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी फिक्सेटिव थे उनको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सेकेंडरी फिक्सेटिव में जो आप यूज करते हैं, सबसे पहले जो मोस्टली हिस्टोलॉजी में यूज किया जाता है 10%, क्या दोस्तों 10% बफर फॉर्मेलिन। ये डायरेक्ट यूज किया जाता 10% बफर फॉर्मेलिन। यहां पे आप जो फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मेलिन और आपका 10% बफर फॉर्मेलिन, ये कोई एक चीज नहीं है, ये अलग अलग चीजें अलग अलग हैं, अलग अलग केमिकल हैं। जो फॉर्मल्डिहाइड था वो मार्केट में आपको जो 40 फॉर्मल्डिहाइड के बाद इसमें समझते हैं, फॉर्मल्डिहाइड था जो मार्केट में आपको 40%, कितने 40% में, यानी जिसको 100% देते हैं मार्केट में, वो कितना परसेंट रहता है फॉर्मल्डिहाइड, 40% रहता है। उस 40% फॉर्मल्डिहाइड का आपको फॉर्मेलिन कैसे, जो 10% फॉर्मेलिन कैसे बनाते हैं, 40% सबसे पहले आपको फॉर्मल्डिहाइड होगा, फॉर्मल्डिहाइड वो कितने परसेंट रहता है, 40% रहता है, जिसको मार्केट में 100% के रेशो से, मतलब कि अपन कह सकते हैं 100% है उसका रेशो। लेकिन वो अपन फॉर्मेलिन कैसे बनाते हैं, 10% फॉर्मेलिन, 10% फॉर्मेलिन के लिए आपको चाहिए होगा 100 ml, क्या दोस्तों 100 ml आपको चाहिए होगा फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड चाहिए होगा, और फिर चाहिए होगा आपको 900 ml, 900 ml आपको चाहिए होगा डिस्टिल वाटर, डिस्टिल्ड वाटर चाहिए होगा आपको, यानी 100 ml आपको चाहिए होगा फॉर्मल्डिहाइड, जो कितना रहता है 40% रहता है इसकी कंसंट्रेशन, और यहाँ पे 900 आपको चाहिए होगा दोस्तों डिस्टिल वाटर, यानी इनके रेशियो दोनों को मिलाकर क्या बनता है दोस्तों, 10% फॉर्मेलिन बनता है। ये सिर्फ फॉर्मेलिन बनता है, अब बफर फॉर्मेलिन अलग है, यानी फॉर्मल्डिहाइड अलग चीज है, आपका 10% फॉर्मेलिन अलग चीज है, और एक और यूज किया जाता है 10% जो बफरेट फॉर्मेलिन, क्या दोस्तों वो कैसे बनाते हैं आप, 10% जो बफर फॉर्मेलिन रहता है उसमें क्या क्या रहते हैं कंटेंट, तो वो देखते हैं। तो सबसे रहता है सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, क्या दोस्तों फर्स्ट उसमें कंटेंट क्या रहेगा, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आपको कितना लेना है इसको, इसका एक बार यहाँ पे उसका फॉर्मूला भी देखते हैं, क्या है सोडियम, फर्स्ट अपना क्या है सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, इसका जो फॉर्मूला रहता है दोस्तों NaH2PO4,
ये इसका फॉर्मूला रहता है। तो आपको सोडियम डाइहाइड्रोजन कितना चाहिए होगा, 3.5 ग्राम, कितना चाहिए होगा दोस्तों 3.5 ग्राम, ये आपको चाहिए होगा फर्स्ट। और सेकंड आपको चाहिए होगा डायसोडियम हाइड्रोजन, क्या दोस्तों डायसोडियम हाइड्रोजन, डायसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसका फॉर्मूला रहता है दोस्तों Na2HPO4। इसमें क्या अंतर है, यहां पे दो सोडियम मॉलिक्यूल थे लेकिन यहां पे सिंगल है और दो यहां पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो ये क्या है सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट है और ये क्या है डायसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, यानी सिंगल यहां पे हाइड्रोजन है और यहां पे डबल मॉलिक्यूल्स किसके हैं सोडियम्स के हैं, तो ये क्या हो गया सोडियम डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसका कितना लेना होगा आपको 6.4 ग्राम लेना होगा, कितना लेना होगा दोस्तों 6.4 ग्राम। ये अपन क्या बना रहे हैं दोस्तों 10% बफर फॉर्मुलिन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं 10% बफर फॉर्मुलिन। फिर चाहिए होगा आपको मार्केट में जो 40% फॉर्मल डिहाइड चाहिए होगा आपको, कितना चाहिए होगा 100 ml चाहिए होगा। और फोर्थ आपको चाहिए होगा दोस्तों डिस्टिल बॉटल, क्या चाहिए होगा डिस्टिल बॉटल चाहिए होगा आपको। ये कितने में बना रहे हैं दोस्तों, डिस्टिल बॉटल चाहिए आपको 900 ml, यानी पूरा 1 लीटर का, क्या दोस्तों 1 लीटर का यहां पे ये बना रहे हैं 10% बफर फॉर्मुलिन, जिसमें आपको सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट 3.5 ग्राम चाहिए होगा और डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट आपको चाहिए होगा 6.4 ग्राम, और आपको चाहिए होगा 40% जो फॉर्मल्डिहाइड है वो 100 ml चाहिए होगा, और आपको चाहिए होगा डिस्टिल बॉटल 900 ml। ये पूरा 1 लीटर का आपका 10% बफर फॉर्मुलिन यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने समझा फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, फॉर्मुलिन 10% फॉर्मुलिन क्या होता है और 10% फॉर्मुलिन क्या होता है, ये सारी अलग अलग हैं, इनपे कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट आपका जो सेकेंडरी फिक्सेटिव यूज किया जाता है दोस्तों वो है आपका जिंक, कौन सा है दोस्तों कार्नोस फ्लूड, कौन सा देखते हैं अपन, जो कार्नोस फ्लूड यूज किया जाता है सेकेंडरी फिक्सेटिव, जिनका अपन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जो कंपाउंड किसके कंपाउंड से बने होते हैं प्राइमरी जो फिक्सेटिव रहते हैं उनसे मिलकर ये सेकेंडरी फिक्सेटिव बने होते हैं जिनका अपन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो ये सेकेंडरी फिक्सेटिव के अंतर्गत आपने देखा यहां पे 10% बफर फॉर्मुलिन कैसे बनाते हैं। अब आपको देखते हैं सेकेंडरी फिक्सेटिव भी है एक कैनोइस फ्लूड, क्या सेकंड है अपना क्या है कैनोइस फ्लूड, ये क्या है दोस्तों सेकेंडरी फिक्सेटिव है जिसका अपन क्या डायरेक्ट अपन यूज करते हैं। तो आपको चाहिए होगा एब्सोल्यूट एल्कोहल चाहिए होगा, इसमें एल्कोहल कितना चाहिए होगा दोस्तों 60 ml, और आपको चाहिए होगा क्लोरोफॉर्म चाहिए 30 ml, और थर्ड चाहिए आपको ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये कितना चाहिए होगा आपको, ये चाहिए होगा 10 ml। तो जो कार्नोइस फ्लूड है दोस्तों मोस्टली यूज किया जाता है, और ये किसके लिए, किसको फिक्स करने की, जो ग्लाइकोजन को फिक्स करने के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। तो कार्नोइस फ्लूड में आपको एब्सोल्यूट एल्कोहल चाहिए 60 ml, क्लोरोफॉर्म 30 ml, और ग्लेशियल एसिड चाहिए आपको
10 ml, क्या दोस्तों 10 ml, अब से थर्ड देखते हैं अपन दोस्तों यहां पे जेंकर्स फ्लूड। थर्ड जो सेकेंडरी फिक्सेटिव है कौन सा है दोस्तों, जेंकर्स फ्लूड। जेंकर्स फ्लूड ये भी मोस्टली हिस्टोलॉजी में यूज किया जाता है, लेकिन ज्यादातर कौन सा यूज किया जाता है दोस्तों, 10% वफर फॉर्मलिन यूज किया जाता है। और यहाँ पे आपको जेंकर्स फ्लूड में क्या क्या चाहिए होगा, मर्क्यूरिक एसिड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, सॉरी क्या चाहिए होगा, मर्क्यूरिक मर्क्यूरिक क्लोराइड चाहिए होगा, कितना चाहिए होगा आपको 5 ग्राम, 5.0 ग्राम आपको मर्क्यूरिक एसिड चाहिए, मर्क्यूरिक क्लोराइड चाहिए। और फिर चाहिए आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या चाहिए दोस्तों, पोटेशियम डाइक्रोमेट कितना चाहिए आपको, ये चाहिए 2.5 ग्राम। और फिर चाहिए होगा आपको दोस्तों सोडियम सल्फेट, सोडियम सोडियम सल्फेट चाहिए दोस्तों, ये कितना चाहिए आपको, ये चाहिए 1 ग्राम, 0.1 ग्राम। और फिर चाहिए आपको डिस्टिल वाटर चाहिए होगा, डिस्टिल वाटर कितना चाहिए आपको, ये चाहिए होगा दोस्तों 100 ml। और ग्लेशियल एसिटिक एसिड, एसिड चाहिए होगा आपको 0.5 ग्राम, सॉरी ml में 5 ml आपको चाहिए होगा ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ये क्या जेंकर्स फ्लूट का कंपोजिशन है। तो जेंकर्स फ्लूट किस किस से मिलकर बना होता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम सल्फेट और डिस्टिल वाटर प्लस ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये सारा कंपोजिशन किसका हो गया दोस्तों, जेंकर्स फ्लूट का हो गया। अब जेंकर्स फ्लूट के अलावा भी बॉन्स फ्लूट, जेंकर्स फ्लूट, कैनोस फ्लूट और 10% बफरेट फॉर्मुलिन, ये क्या सेकेंडरी फिक्सेटिव है। बॉन्स फ्लूट लास्ट जो मोस्टली यूज किया जाता है वो और देख लेते हैं, लास्ट है ये अपना बॉन्स फ्लूट। बॉन्स फ्लूट एस्ट्रोलॉजी में कॉमनली यूज किए जाते हैं और जो कंपटीशन में ज्यादातर पूछे जाते हैं वही यहां पे समझ रहे हैं। यहां पे सैचुरेटेड एक्वस पिक्रिक एसिड चाहिए आपको, क्या चाहिए दोस्तों, सैचुरेटेड एक्वस पिक्रिक एसिड, तो आपको चाहिए होगा पिक्रिक एसिड, वो सैचुरेट एक्वस रहेगा। और ये कितना लेना है आपको, ये लेना होगा आपको 75 ml, 75 ml। सेकेंड आपको चाहिए होगा फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन चाहिए होगा आपको, ये कितना चाहिए होगा आपको 25 ml। और थर्ड चाहिए आपको ग्लेशियल एसिटिक एसिड, क्या चाहिए दोस्तों, ग्लेशियल एसिटिक एसिड चाहिए आपको, ये कितना चाहिए, ये चाहिए 5 ml। और आपको चाहिए होगा
ये मोस्टली कहाँ पे यूज किया जाता है, जो टिश्यू में ग्लाइकोजन को फिक्स करने के लिए, जो टिश्यू में ग्लाइकोजन रहेंगे उनको फिक्स करने में बोन्स फ्लूड मोस्टली यूज किया जाता है। और एक और यहाँ पे देखते हैं लास्ट, और एक और देख लेते हैं, वो है जेंडर्स फ्लूड जो कॉमनली यूज किया जाता है। लास्ट है जेंडर्स फ्लूड, ये फाइव आपको याद ही होने चाहिए, कहीं भी फाइव फिक्सेटिव का आपको नाम पूछ लिया जाता है, कोई से जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, मोस्टली इन फिक्सेटिव के बारे में पूछ लिया जाता है। तो क्या है दोस्तों लास्ट अपना, जेंडर्स फ्लूड, जेंडर्स फ्लूड, जेंडर्स फ्लूड में आपका कंपोजिशन में वही पिक्रिक एसिड रहेगा फर्स्ट आपका, सैचुरेटेड एक्वस पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड आपका 80 ml रहेगा, और फिर फॉर्मेलिन रहेगा, फॉर्मेलिन ये 15 ml रहेगा यानी 15 ml, और ग्लेशियल एसिटिक एसिड आपका, ग्लेशियल एसिटिक एसिड रहेगा 5 ml, और ये भी कॉमनली क्या है दोस्तों, ग्लाइकोजन को जो टिश्यू में ग्लाइकोजन को फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने समझा फिक्सेटिव क्या होते हैं, तो फिक्सेटिव ऐसे एक केमिकल एजेंट होते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं होता दोस्तों, ये क्या होते हैं केमिकल एजेंट होते हैं जो टिश्यू को पुट्रिफिकेशन एंड ऑटोलाइसिस से बचाने के लिए यूज किए जाते हैं, और ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है जो फिक्स करते हैं उसको फिक्सिंग कहते हैं। फिर आपने समझा कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं फिक्सेटिव को, पीएच, टेम्परेचर, थिकनेस ऑफ टिश्यू, साइज ऑफ टिश्यू, ये सारे क्या अफेक्ट करते हैं फिक्सिंग में फिक्सेटिव को। और फिर आपने समझा टाइप ऑफ फिक्सेटिव, तो कौन कौन से टाइप में फिक्सेटिव होते हैं, फर्स्ट होते हैं प्राइमरी फिक्सेटिव, जिनको सिंपल फिक्सेटिव भी कहते हैं, और जिनका डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, ऐसे फिक्सेटिव जिनका आप फिक्सिंग में डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते प्राइमरी फिक्सेटिव कहलाते हैं। और आपका सेकेंड कौन से है, सेकेंडरी फिक्सेटिव, ऐसे फिक्सेटिव जो प्राइमरी फिक्सेटिव से मिलकर बने होते हैं, यानी उनके कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं, ऐसे फिक्सेटिव क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी फिक्सेटिव कहलाते हैं, जिनका आप डायरेक्टली फिक्सिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और फिर आपने प्राइमरी फिक्सेटिव में जैसे ही पिक्रिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, फॉर्मेलिन, फॉर्मल्डिहाइड, ये क्या दोस्तों प्राइमरी फिक्सेटिव के अंतर्गत आते हैं। भाई सेकेंडरी फिक्सेटिव में आपने समझा 10% बफर फॉर्मेलिन कैसे बनाते हैं, जेंडर्स फ्लूड आपका, जेंकर्स फ्लूड, और ये सारे फ्लूड्स आपने देखे। तो दोस्तों अगर आज आपको लेक्चर अच्छा लगा और यूजफुल रहा आपके लिए, और आपको क्लियर समझ में आया, और जैसा भी हो आपको अगर क्लियर समझ में आया, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप जरूर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।